हेलो गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का इस क्यू क्लास के अंदर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज अ लिटिल लाइक लास्ट इन लास्ट क्लास आई सेड यू दैट विल बी टेकिंग इन एवरी डे न्यू सब्जेक्ट बट ज्योग्राफी जोग्राफी जो है बच्चों रिपीट हो गया क्योंकि मेरी उसमें गलती नहीं क्योंकि एक्चुअली टाइटल और जो थमने लगे वो थोड़ा मिस मैच हो गया सो आई थॉट जो है लेट्स नॉट मेक इट कन्फ्यूजन सो टूडे ऑल्सो विल बी टेकिंग सम गुड क्वालिटी ज्योग्राफी क्वेश्चंस ठीक है तो इस क्लास का मकसद गई बेसिकली ये है ये आपकी मैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक ये क्लास को लेने वाला हूँ ओके okay. और इसमें हर दिन हम एक नया चैप्टर एक नया सब्जेक्ट के एम प्रैक्टिस करेंगे मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी ज़्यादा समय मैं इस पर नहीं लूँगा दोबारा बट जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगा कि गई आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू रियलाइज कि आप लोग अभी किस सब्जेक्ट में आपके यू नो कितना आप कितने पानी में हो फैक्ट चैक्ट क्लास है एक तरह से फैक्ट आप अपनी तैयारी को हिसाब से फिर जो है आगे यू कैन यू नो गिव अ प्रॉपर डायरेक्शन अ डायरेक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू आर गुड इन जोग्राफी यू विल नो हेयर ओके क्योंकि चार पांच सब्जेक्ट्स छः सात सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा और मैं आपको सलाह गाइज यही दूंगा यू की तैयारी में कि जो अपने शार्प पॉइंट्स है उनको शार्प रहने दीजिए जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको वर्क करिए आपको बैलेंस बनाना एक अच्छा ठीक है तो ज्योग्राफी क्वेश्चन हम इसी नोशन से आज देखते हैं तो लेट्स जस्ट चेक आउट टुमारो तो चेकआउट टुमोरो तो संडे मंडे को फिर हमें नया सब्जेक्ट लाएंगे ट्यूजडे को नया लाएंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आप हर सब्जेक्ट में कितने कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल हो ठीक है प्रॉब्लम पॉइंटर बच्चों जरूर करिए बहुत हेल्पफुल क्लास है आपके लिए पढ़ाई करनी है एक स्टैटिक से रगड़ा मारना है तो अलग बात है पढ़ाई वो करनी जिसपे सवाल आ रहे एग्जाम में तो ये क्लास आपके लिए है फिर ठीक है और वही किसी भी बातें पढ़नी है तो किताबें और मटीरियल जो है पूरा दुनिया में जो है बिक रहा है और पढ़ भी रहे हैं बहुत सारे लोग बट सेलेक्शन आपको पता तो नहीं हो रहे हैं तो एक्सपीरियंस्ड मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं इस क्लास पर वर्क करता हूँ रोज़ और आपको बेहतरीन नॉलेज मिल रही तो class, okay? so, question, directly, है डोंट मिस दिस क्लास ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज शेयर कर दीजिए ठीक है यार जोग्राफी कोई ऐसी बुक नहीं है सो गुड आफ्टरनून ग्रीन हार्ट ओके रेप्रैप्टर तेजस सुजीत गुड आफ्टरनून ठीक है लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन जितना जल्दी आप बच्चों बताओगे आंसर उतनी जल्दी हम ज्यादा क्वेश्चन आज ज्यादा क्वेश्चन भी कल बारह थे आज जो है सोलह क्वेश्चन है एवरी डे हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर क्लास ओके वेरी वेरी गुड अफ्रून अनुराग तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे हिसाब से और इस तरह की नॉलेज आपको होनी भी चाहिए ओके जस्ट इट वेरी 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 गुड 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 ग्रीन हार्ट इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो वही क्या कह रहा है ये ड्रिप इरीगेशन जो है भाई वो आपके अनसूटेबल है क्रॉप्स के लिए अगर क्रॉप्स को आपने रोज में बोया है क्यारियों में बोया है ठीक है तो जैसा कुछ भी नहीं है बल्कि अगर आप क्यारियों में क्रॉप को आप बोगे बो सो करोगे तो तो ही ड्रिप इरीगेशन आपका काम करेगा आप प्रॉपर तरीके से पानी को ज, जड़ों तक पहुंचा सकते हो हर क्रॉप के तो सोइंग जरूरी है तो अनसुटेबल नहीं है सूटेबल है तो बात गलत हो गई अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ड्रिप इरिगेशन सप्लाई वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द क्रॉप ये बात एकदम सही है ठीक है लेकिन बच्चों पहला स्टेटमेंट ही गलत है तो गलत स्टेटमेंट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है ठीक है तो ए और बी तो वैसे ही कट गए ठीक है ए तो करेक्ट है नहीं तो ए भी कट गया तो डी इज द करेक्ट आंसर कि ए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है लेकिन अपने आप में आर जो है जो रीजन है वो सही है ड्रिप इरीगेशन में पानी तक हम डायरेक्ट जो पानी है जड़ों में पहुंचाते हैं डायरेक्टली पेड़ के जिससे पानी की खपत कम होती है वेस्टेज कम होता है एफिशियंसी वॉटर यूज एफिशियंसी बढ़ती है दिस इज ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकल इरीगेशन इज ऑल्सो सम लाइक दैट सो दीज टू टेक्निक्स आर फॉर दिन टू इंक्रीज द वॉटर यूज एफिशियंसी सो डेर इरीगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रो क्रॉप्स ओके सो रोज में आप उगा सकते हो एंड यू नो ऑल द स्टोरी ऑल द स्टफ बिहाइंड इट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दट इज अबाउट अ वेरी लिटल फैक्चुअल क्वेश्चन ये कुछ पेस्ट uh, हैं आपको बताने ये क्या इन्ही फसलों को ये अटैक करते हैं क्वेश्चन नंबर टू दिस इज अ चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ अस क्वेश्चन नंबर टू हेलो सर आई एम लीमा प्लीज टेल लॉ इज़ इंपॉर्टेंट लॉ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस लॉ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जी इसकी अगर आप बात कर रहे हो तो ऑप्शनल में लेना चाह रहे हो तो बात अलग है क्वेश्चन नंबर टू वेरी गुड वेरी गुड इज वेरी गुड वेरी गुड फैक्चुअल क्वेश्चन है ज़्यादा समय नहीं लगेगा फटाफट करिए ठीक है Very good. Green heart ने बच्चों सही बता दिया अगेन सो वन टू थ्री ऑल ऑफ आर करेक्ट सो बच्चों खपरा बीटल बीटल एक को होता है. ब, uh, क्या कहते हैं हिंदी में इसको exactly. कीड़ा जो होता है, उस होता है है. ठीक है ये वीट और बारले को खराब करता है ठीक है देन यू है पी डी एफ ऑन यूपीएससी टेलीग्राम चैनल आप देख लीजिएगा तो ये बच्चों कुछ प्रोमिनेंट क्रॉप से भारत में जो उगाई जाती है ठीक है सीरियल uh, पल्सेस तो इन पे कौन कौन से जो है ये सब लिखा हुआ है या नहीं दिख रहा होगा सबसे थोड़ा फेडेड है ये मुझे भी नहीं दिख रहा है पी डी एफ में दिख जाएगा अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है इज ऑन द स्वेस कैनल वेरी गुड क्वेश्चन एंड पर्टिकुलरली एट दिस टाइम इन दिन द वर्ल्ड इज एट वॉर और स्वेस कैनाल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ठीक है तो स्वेस कैनाल पे एक अच्छा बेहतरीन सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या आंसर है फटाफट फड़ बताएं क्वेश्चन नंबर थ्री ऑलराइट फटाफट फटाफट थ्री का आंसर है गलत 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 मैं ही बताता तो हूँ 20 इज द करेक्ट आंसर आई न्यू मेनी पीपल मीन मेनी ऑफ यू बच्चों स्वेस केनाल 19 कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर स्वेस केनाल एटीन एटीन नाइन में बनाई गई थी स्वेस केनाल को बनाने का जो काम बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम था वो आपके फ्रांस और यूके ने मिलकर किया था बाद में बच्चों

देश के लिए चाहे लड़ाई का टाइम हो या पीस का टाइम हो क्योंकि स्वेस कनाल की वजह इंपॉर्टेंस अपने को पता चलती है इसे कितनी ज्यादा यार ईस्ट और वेस्ट को जोड़ती है ईस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड को जोड़ती है बहुत बड़ा एक चक्कर जो है अफ्रीका का हमें नहीं काटना पड़ता है डायरेक्टली आप यहां से यूं यह आ सकते हो तो इसकी इंपॉर्टेंस गई इतनी ज्यादा है इतनी ज्यादा है कि इजिप्ट जिसकी जिसके अंदर से वो कनाल बनी है उसको भी हक नहीं है कि वो किसी जहाज को रोक सके चाहे लड़ाई हो रही हो चाहे वो उसका दुश्मन का ही जहाज़ हो वो उसको रोक नहीं सकता कि नहीं मैं स्वेस केनाल से नहीं जाने दूंगा ठीक है स्वेस केनाल इज अलाउड ओनली टू द ऑफ द मेंबर ऐसा कुछ भी नहीं गई स्वेस कैनाल अथॉरिटी जो है एस सी ए वो सिर्फ स्वेस कैनाल को संभालती है ऐसा नहीं किसी देश को अगर स्वेस कैनाल का यूज कर रहे हैं तो एस सी ए का मेंबर होना पड़ेगा तो दिस इज रॉन्ग ओके तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके सो द कैनाल इज नाउ ओन एंड मेंटेन बाय द स्वेस कैनाल अथॉरिटी बात सही अंडर द ऑफ इजिप्ट ओके okay, तो बच्चों कॉन्स्टेंटिपल कन्वेंशन ये कहता है इन टाइम ऑफ वॉर और पीस के टाइम पे कोई भी वेसल चाहे वो लड़ाकू जहाज हो चाहे वो कोई मर्चेंट शिप हो कोई से भी झंडे झंडा लगाओ उसको उसको रोका नहीं जा सकता ओके सो दिस इज द थिंग लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग ओके इजी इजी क्वेश्चन राबी क्रॉप के ऊपर एक सवाल है ठीक है तो राबी क्रॉप बेसिकली आर द यू नो फोर्थ क्वेश्चन यस क्वेश्चन नंबर फोर्थ ठीक है क्वेश्चन ऑफ़ फोर्थ का आंसर जो है व्हाट इज द आंसर यस डी so, सारी जो है क्रॉपर क्रॉप होती है, जो सर्दियों में है। तो हार्वेस्ट ही होती है और हार्वेस्ट तब होती है जब सर्दियां चालू होने वाली होती है ठीक है राबी क्रॉप बचो विंटर क्रॉपिंग है कंफ्यूजिंग है थोड़ा तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं रखता था तैयारी के टाइम पे विंटर्स भारत में छोटे समय के लिए आती है तो राबी जो है छोटा वर्ड है यहाँ पर तो वो आपके विंटर से मैंने जोड़ दिया उसको कि विंटर के संबंधित है गर्मियां भारत में लगभग आठ महीने के लिए रहती है तो बड़ा शब्द जो है हमने यहां पर वो आपके समर्स के लिए जोड़ रखा है है ठीक तो मैं ऐसे याद रख सकता था अब आप को भी आपने भी सुन लिया है तो आई आई डोंट थिंक आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज हो गए ठीक है आई एस बनने से पहले भी आई एस बनने के बाद भी आप कोई भूलोगे नहीं तो बच्चों राबी क्रॉप मतलब विंटर क्रॉपिंग और ये सारी ही क्रॉप्स बारले जौ चिकपी लिंसीड मस्टर्ड सरसों वगैरह सब जो है विंटर क्रॉप है राबी क्रॉप है सो डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ओके यस नाउ वेरी अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर वर्ल्ड जोग्राफी मैपिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ थोड़ा दिमाग लगाइए पर चीटिंग नहीं करनी है मैप नहीं खोलना है और अपने दिमाग से इमेजिनेशन से सॉल्व करना है इस इलाके से मैं आपको बता रहा हूं बहुत क्वेश्चन आते हैं इसीलिए थोड़ा डिटेलिंग में आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस कल भी दो क्वेश्चन थे यहाँ पे आज भी है एक और एक क्वेश्चन और एक और हो सकता है ठीक है गुड आफ्टरनून पल्लवी बहुत दिनों बाद आए हुआ क्लास में आज फिफ्थ का ज्ञान थे फटाफट फटाफट फट, गई क्विकली बी क्विक ओके okay? बी क्विक सो दैट वी कैन टेक द क्लासेस टेक द क्लास एट अ फास्टर पेस सी रैप्टर ने सही जवाब दे दिया सी इज द करेक्ट आंसर ओके तो ये कह रहा है आपने बच्चों बगदाद से लेके आनंदा टर्की के जो है लाइन खींच दी है एक ठीक है कौन कौन से देश आपके जो है बीच में आ सकते हैं यहाँ पर थोड़ी हो गई है दिक्कत क्योंकि जवाब जो है मैंने गलत लोगों का जो है सही बता दिया है सी नहीं है तेजस ने सही जवाब दिया है ठीक है तो यहां बच्चों थोड़ी गलती हो गई तेजस तेजस ही इस जवाब का इस, सवा, इस सवाल का सही जवाब दिया और ये सवाल मेरे हिसाब से ईजी नहीं था आंसर करना तो कह रहे हैं बच्चों इराक से आप तुर्की की राजधानी को जोड़ा ये रहा मैं आप आपके सामने मैं हट जाता हूँ साइड में ठीक है अब आप देख लीजिए गाइस इराक से आपको पता होना चाहिए इराक से वैसे भी काफी नीचे है इसराइल इसराइल से बड़े सवाल आते हैं यहाँ पर क्योंकि बड़ा बड़ा माहौल खराब रहता है तो यहाँ से बड़े सवाल पूछ लेती है यूपीएससी दिस एरिया यू शुड बी वेरी मच फेमिलियर तो विद्रेल को तो बच्चों आप इजी एलिमिनेट कर सकते वैसे को आप एलिमिनेट कर सकते हो Israel को एलिमिनेट कर दिया तो बी हट गया डी हट गया और सेकेंड अगर बात करूं मैं जॉर्डन की तो बच्चों जॉर्डन थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको कर सकता है बट जॉर्डन भी काफी नीचे ही है ठीक है और अपन बगदाद और अरंकारा से सीधे जा रहे हैं तो सिर्फ एक कंट्री बीच में आएगा आपके जिसका नाम है सीरिया ठीक है इस इस पे कई सवाल आ चुके हैं कई एक सवाल ये आ चुका है कि इनमें से कौन कौन से देश मेडिटेरियन सी को टच करते हैं एक बार ये सवाल आ गया था यहाँ पे गोलन हाइट से ना एक जगह उस पर सवाल आ चुका है ठीक है एक बार कुछ और सवाल आया था ये पांच छह सालों में सवाल आ चुके हैं काफ़ी सारे एरिया से और आते रहेंगे आगे भी क्योंकि ये इशू हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है उभरती रहती है करंट अफेयर्स के लिए सो ए इज द करेक्ट आंसर समझ गए क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, गोल्डन नाइट्स, यस क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का क्या आंसर है टेल मी दैट तो बचो ये कुछ ये कोई बायोस्फे रिजर्व है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी है आपको ओके प्राइमरी फॉरेस्ट है यहाँ पर ट्रांजिशन जोन है ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया का टाइप स्पीशीज़ में चिंकारा नील गाय वाइल्ड डॉग्स फ्लाइंग स्कोरिल यहाँ मिलती है एंडेमिक भी है यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट कोई नहीं ओके okay. जो ईस्टर्न और वेस्टर्न की देखो आप कीवर्ड्स पढ़ो उसमें ठीक है जोन स्पीशीज जो है यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया की मिल जाएंगी ईस्टर्न इंडिया की मिल जाएंगी ठीक है आप सही करो उसको का जो आंसर है दैट इज द स्वाथी ने सही आंसर दे दिया है ए इज द करेक्ट आंसर पंच बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है गाइस देखो कैसे हम इसको कर सकते हैं फ्लाइंग स्क्विरल्स हमको पता है वेस्टर्न घाट में मिलती है ओके ये एक प्रोमिनेंट जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए तो सिम्लीपल तो आपको उड़ीसा पे स्क्वाटा दिया ठीक है ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं तो बच्चों यहाँ पर स्पीशीज ना दोनों की पाई जाती हैं ओके तो इससे हम ईस्ट और वेस्ट की बात अगर कर दें तो इन दो बायोस्फीयर रिजर्व में वेस्टर्न की स्पीशीज ज़्यादा पाई जाती है बेसिकली ठीक है और चिंकारा वगैरह यहाँ नहीं मिलते हैं नीचे वालों में ठीक है सो एक आप ये बात पकड़ सकते हो ठीक है डिफिकल्ट क्वेश्चन था फिर भी बट का आंसर इज द पंचमरई बायोस्फीय रिजर्व पंचमरी जो बायोस्फेर रिजर्व है कई बिल्कुल बॉर्डर पे है महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है ठीक बायो है बायोजोग्राफिकल रीजन है डक्कन प्लेट्यू का ओके वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दिस इज द मैप ऑफ द पंचमरी बायोस्फी रिजर्व तो बचो कई यहाँ पर जो है नेशनल पार्क है और इन सबको मिलाकर जो है पंचमरी बायोस्फी रिजर्व मना है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए बोरी सेंचुरी है यहाँ पर तावा रिजर्वेशन रिजर्वर है ओके सतपुरा नेशनल पार्क है इन सबको मिलाकर ये बायोस्फीयर रिजर्व बना है ठीक है तीन पार्ट से इसके बोरी सेंचुरी सतपुरा नेशनल पार्क और पंचमरी सेंचुरी ठीक है सतपुरा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं इसको तो बच्चों पंचमरी प्लेटू जो है क्वीन ऑफ सतपुरा है ये इसकी हाइएस्ट पीक भी है यहाँ पर ठीक है तो वो भी आपको पता नहीं तो क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से भी आ सकता है क्वीन ऑफ सतपुरा क्या है तो पंचमरी है क्वीन ऑफ सतपुरा ठीक है सो दिस इज द थिंग इंपॉर्टेंट वायफ बायोस्फीयर रिजर्व द वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व ऑफ इंडिया पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है आगे बढ़ते रेडियल एंट्री सेंट्रीफ्यूगल एंट्री रेक्टेंगुलर पैरेलल, पैरलिक ड्रेनेज पैटर्न आपको बताना है ये जो बात लिखी हुई है कौन से ड्रेनेज पैटर्न पे मैच हो रही है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ

सिविल सर्विसेज में फॉरेस्ट का प्रॉब्लम कट ऑफ ज्यादा जाता है सिविल सर्विसेज से बट उसका मेंस कंपैरेटिवली इजी होता है ठीक है सो वो बात है अब जो आंसर है द वेरी गुड ग्रीन हार्ट वेरी गुड ओके ट्रेलिस जो ड्रेनेज पैटर्न है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तो जो ट्रेलिसन एक अजीब पैटर्न होता है जैसे मान लीजिए यहां पर ये सब हार्ड रॉक्स है ठीक है तो इनके जो बीच का जो एरिया है ये ये बच्चों सॉफ्ट रॉक थी तो एरोड हो गई है तो एरोड हो गई तो नदी जो है फिर यहां इसमें बहने लग जाती है ठीक है नदी पानी यहां बहने लगते हैं और कई बार क्या होता है इनमें बीच में कट भी लग जाता है तो ये यहां से इसमें जुड़ जाती है नदी ये यहां से इसमें जुड़ गई ये यहां से इसमें जुड़ गई तो ये राइट एंगल्स पे जो है ट्रिब्यूटरीज कट करती है इस पैटर्न में ट्रिलस पैटर्न कहते हैं इसको ठीक है तो अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स पे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती हैं हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स जहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी वहां पर आपको ट्रेलिस पैटर्न मिलेगा सो दिस इज द डेंडेंट्रिक जैसे पेड़ की जड़ें होती है मोस्ट कॉमन ड्रेनेज पैटर्न है पेड़ की जड़ों की तरह जो है पानी बहता है इसमें ओके दिस इज दिन रेडियल पैटर्न एक पहाड़ है वहां से कई सारी नदियां निकल रही है तो रेडियल है बाकी ये ट्रेलिस है ठीक है सो यू हैव योर हार्ड रॉक्स दिस इज योर हार्ड रॉक 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 इन बिटवीन यू हैव द फ्लो ऑफ वाटर

ओके क्वेश्चन नंबर सेवन पर जो दिमाग लगा के सवाल बनाया भी है और दिमाग लगा कर मैंने सवाल को यहाँ पर डाला भी है और दिमाग लगा कर आपको अगर समझ है यूपीएससी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप इसको कर भी दोगे ये नॉलेज आपको होनी चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है डी वेरी गुड कालियाँ बजाना चाहता हूँ मैं मीनाक्षी के लिए एक बार ठीक है सुजीत और श्वेता के लिए भी नहीं श्वे सुजीत ठीक है बच्चों जब आई की लिस्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपको बोला जाता है और बात सही भी है कि सबसे ज्यादा भाई लोगों और आप लोग जो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो भी स्पीशीज है उनको तो याद ही कर लो अगर वो इंडिया से है तो तो बिल्कुल याद कर लो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज क्रिटिकल जो है यानी कि जो एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ी है उनको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और भी कई ऐसी स्पीशीज है सीई कहते हैं हम उनको ठीक है आपको ये इंफॉर्मेशन बताया आप कई लोग ऐसे भी होंगे जो रट भी चुके होंगे कितनी प्रजातियां भारत में से जो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है लेकिन आपको एक बेसिक बात आप शायद ये रटना भूल गए कि टोटल कितनी स्पीशीज है दुनिया में जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड यानी कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन फेस करती है तो नियरली बचो वन फोर्थ ऑफ द स्पीशीज ओके जिनको आई कर चुका है ये परसेंट का आंकड़ा है जो, जो ये बहुत ही ग्लेयरिंग फिगर है तो आप अपने मेंस में के आंसर में यूज कर सकते हो इंसान की वजह से या नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी नेचुरल रीजंस की वजह से भी 27% ऑफ़ द टोटल स्पीशीज टुडे फेस द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन यूर फ्यूचर दैट इज ऑलमोस्ट वन फोर्थ ऑफ द ऑल स्पीशीज सो डी इज द करेक्ट आंसर ओके सो अब लर्निंग क्या है यहाँ पर अबाउट 27 सेवन परसेंट ऑल एसेस से पीछे हाई रिस्क ऑफ आई ठीक है तो आपको देखो देख लो आप सही बात है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ दिस क्वेश्चन हैज कम इन योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नॉट दिस क्वेश्चन बट ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक आ चुका है प्रिलिम्स में भी क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ठीक है सो so, बच्चों फटाफट बताओ ताकि फटाफट क्लास चले तो नए क्वेश्चन आते हैं वहां पे आज तो काफी जल्दी कर रहे हैं अपन क्लास वेरी गुड टुडे सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास सम स्टूडेंट्स विच आर वेल रेड लाइक अंश वेरी गुड अंश ग्रीन हार्ट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पर आप लोग दो ही लोग सही जवाब दे पाए हैं क्वेश्चन नंबर नाइन का जो आंसर है एज द करेक्ट आंसर ठीक है वो जानवर इंसेक्ट रेस्परेप्टाइल्स रे, 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 या मछली वछली सब आ गए इसमें वो होते हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्टली पैदा नहीं करते अंडे पैदा करते हैं ठीक है तो अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई ये तो हमें नहीं पता ठीक है बट हमें ये जरूर पता है कि ओवी पैरस वो होते हैं जो अंडे के थ्रू बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्टली बच्चे पैदा नहीं करते मैमल्स की तरह इंसानों की तरह ठीक है अंडा पहले देते हैं तो आपको पता है चिड़िया जो है घोंसला बनाती है फिर उसमें अंडा देती है सांप भी उस तरह से बच्चे पैदा करता है ठीक है चूहे उल्टे हैं वो डायरेक्टली यू you नो know, बच्चों को जन्म देते हैं तो बर्ड्स आर ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट दे प्रोड्यूस थ्रू एग्स ओके

क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है विच ऑफ द अब आर द आर्टिफिशियल लेक्स क्वेश्चन नंबर टेंथ वॉट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर टेंथ टेंथ का जो आंसर है बी वेरी गुड तेजस ने बिल्कुल ओके स... okay. सही जवाब दे दिया है वेरी गुड ओके वेरी गुड ठीक है तो इजी क्वेश्चन है यार मेरे हिसाब से ठीक है तो जो विम्बनाड और कुलेरू तो यार बहुत फेमस है दे आर बैक बैक वाटर्स बेसिकली दे आर द दॉल्ट वाटर लेक्स द दे आर ऑल्सो नोन एज कयाल्स इन केरला ठीक है विम्बनाड लेक की बात करूं कुलेरू इस तरफ है वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे तो इसमें क्या है समुन्दर का पानी अंदर आ गया है तो उस वजह से ये लेक्स जो है बन गई है आपके ठीक है सो ये तो नेचुरल लेक्स है दोनों जयसमंद लेक बच्चों आपको उदयपुर में मिलेगी राजस्थान में और हुसैन सागर जो है आर्टिफिशियली बनाया गया था हैदराबाद की जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए थ्री एंड फोर ओके तो बी जो है आपके थ्री एंड फोर इज द करेक्ट आंसर ऑल राइट सो जयसमंद लेक एंड हुसैन सागर उदयपुर दिस इज इन हैदराबाद ठीक है तो नीचे वाली जो है दोनों मैन मेड है ये भी सवाल आ चुका है यूप्रम्स में सेम सवाल बट बस लेक्स ये नहीं थी दूसरी थी ठीक है सेम सवाल आया था कि कौन सी मैनमेड है वगैरह वगैरह तो बचो यूपीएससी ने उस टाइम क्या किया अब ऐसे डिफिकल्ट हो जाता है वरना सवाल यूपीएससी ने क्या करा आप जैसे यूपीएससी बच्चा वो क्या करती है आपको वही चीज भी भी वो चीजें सिखाना चाहता इस क्लास के थ्रू जैसे लेक्स यूपीएससी ने लिखी तो यूपीएससी ने वहां पे स्टेट्स के नाम भी लिख दिए जैसे तमिलनाडु में है ये ये हिमाचल में है ये आपके जे एंड के में है तो थोड़ा आदमी जो दिमाग लगाएगा बच्चा वो सोचेगा यार पहाड़ों में तो कोई अननेसेली लेक क्यों ही बनाएगा क्योंकि लेक अगर आर्टिफिशियली आप बना रहे हो तो पानी को आप रोकने के लिए बना रहे हो और पहाड़ों में पानी की एसच कमी नहीं होती है तो पहाड़ों में तो आर्टिफिशियल लेक क्यों ही बनाएगा तो अगर उस लॉजिक से आप उसको करते हो उस क्वेश्चन को तो आप सही आंसर पे पहुंच जाते इसको नहीं उसको जो यूपीएससी में आया हुआ है तो यूपीएससी में जो पागल नहीं है कि लेक का नाम लिख दिया और फिर आगे स्टेट का भी नाम लिख रखा है ब्रैकेट में वो आपको हिंट दे रहा है अभी आपकी सूझबूझ है कॉमन सेंस है कि आप उस हिंट को पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो अब आधे बच्चे तो होंगे हटाओ उसको हमें क्या मतलब हमें तो लेख पता है या नहीं पता उस पे अंतर देखो देखेंगे ही नहीं उसको वहां पे वो है तो कुछ कारण से है ये ऑब्जर्वर आप बी ए गुड ऑब्जर्वर एंड यूज योर कॉमन सेंस योर स्कोर वैसे ही आपका बढ़ जाएगा बिना और पढ़ाई करे ठीक है थोड़ा स्मार्ट बनिए बस ओके अबाउट द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड जेट स्ट्रीम्स ओके जेट स्ट्रीम्स हम सब ने सुना है पढ़ा नहीं है तो समझाना तो मुश्किल ही लगता है कई बच्चों को ये पता नहीं क्यों सवाल तो करना ही पड़ेगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह ठीक फटाफट करीब बच्चों प्यारे बच्चों सवाल का सही जवाब चाहिए और क्वेश्चन नंबर ग्यारह वेरी गुड आई कैन थी सम गुड आंसर करेक्ट आंसर डी अतिक्षा वेरी गुड ओके सुजीत वेरी गुड मीनाक्षी वेरी गुड तो बच्चों डी कोई सारे स्टेटमेंट गलत है जेट स्ट्रीम गई पहले तो आपके वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं जेट्स ठीक है नॉट ईस्टरलीस्टरली का मतलब होता है कि ईस्ट से चलने वाली हवाएं उसे कहते हैं विंड्स वेस्ट से चलने वाली हवाओं को हम कहते हैं विंड्स तो जेट्स आर दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड द प्लैनेट ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया दीज ब्लो एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रू आउट द ईयर यह बात भी बच्चों गलत है टेंपरेचर ग्रेडियंट के हिसाब से प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से तापमान कई चीजों के फैक्टर्स प्ले करते हैं और उससे कई बार जेट्स तेज भी फ्लो करते हैं कई बार स्लो भी होते हैं कई बार गायब भी हो जाते हैं कुछ समय के लिए कॉन्स्टेंट नहीं रहते ये भी गलत है दे आर लिमिटेड टू द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ओनली ये कह रहा है कि सिर्फ जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है नीचे नीचे यहां यहाँ पे मिलते हैं तो ये बात भी गलत है बल्कि बच्चों जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेट है दैट इज अ पोलर जेट वो आपको ऊपर मिलेगा पोल के पास में तो ये बात भी गलत हो गई तो सारे स्टेटमेंट गलत हैं चारों तीनों के तीनों समझ गए आप डी इज द करेक्ट आंसर ऑलराइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट द एक्टिव अब गाइस ये चीजें हैं यार जो आपको यूज कर रहे हो आप पर आपको पता नहीं है इसमें क्या टेक्नोलॉजी है आप में से हर यहां पे से कोई कुछ बच्चे से होंगे जिनके पास ऐसे हेडफोन्स होंगे भी और आप और हम सबको पता है ठीक है मैं तो आपसे काफी 10 इयर्स आई थिंक आई एम ओल्डर देन यू बट आई आल्सो नो दैट मेरे पास खुद के पास यही रखे हुए हैं ठीक है ये एप्पल के हैं बच्चों एयरपोर्ड्स कहते हैं इनको एयरपोर्ड प्रो तो ये मैंने पाँच हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिए थे इसमें क्योंकि सिर्फ एक फ़ीचर था कि इसको कान में लगा लो तो आपको जो है आसपास की आवाज़ सुनाई देगी नहीं और मैंने पांच बार भी ये फ़ीचर कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि इसको थोड़ी देर आप कान में लगा लोगे और आपको आवाज़ एकदम लग जाएगा सब कुछ छांत हो गया तो दिमाग जो है घबराहट होने लग जाती है ठीक है तो मैं आदि नहीं हुआ इसका अडेप्ट नहीं हुआ बट ये भी एक्ट ये आपके जो है नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स है तो वही हम यूज कर रहे हैं इन चीजों को तो हमको पता होना चाहिए इनके पीछे क्या बेसिक टेक्नोलॉजी है हमें ये नहीं खोल रही ये नहीं बोला से खोल तोड़ के पूरा आप देख लो उसमें क्या मशीन वशी लगी हुई है नहीं ये बेसिक कैसे वर्क करती है बस बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इस तरह के सवाल एग्जाम में बिल्कुल तैयार रहिए इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में इनका आंसर ना वो बुक में मिलेगा ना कहीं और मिलेगा एमसीक्यूज में भले ही मिल जाए ठीक है सो तो ट्वेल्थ क्वेश्चन का क्या आंसर है तो ट्वेल्थ क्वेश्चन का क्या आंसर है तो ट्वेल्थ क्वेश्चन का द आंसर इज देखो आप बता ही नहीं पा रहे हो ठीक है वेरी गुड Somebody has given the correct answer. ट्वेल्थ का आंसर है दैट इज द ए स्वाति के पास लगता है मुझे है ठीक है तो वो जो ये जो एयर कैंसिलेशन नॉइस कैंसिलेशन जो, जो हेडफोन्स होते हैं इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती है तो एक्टिव पैसिव पैसिव में क्या होता है इसमें जो साइड में जो रबर लगा हुआ है बस आप इसको लगा लो तो यही बाहर की आवाज आपको जो है आने नहीं देगा ये हो, ये होता है पैसिव नॉइस बट ये इतने इफेक्टिव नहीं होते असली टेक्नोलॉजी का रोल तब तो आता है जब गई ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का हेडफोन है तो इसको आप कान में लगा ठीक है आपने इसको कान में लगा लिया यहां पर ठीक है तो बच्चों इसमें आप एक सेंसर होता है ये देखता है कि बाहर से क्या क्या आवाजें आ रही है ठीक है ये इसमें प्रोसेसर भी होता है अंदर बहुत चिप विप होती है इसमें अपोजिट फ्रीक्वेंसीज जो है जनरेट करता है कान के अंदर आपके कान के अंदर जो है ये आपका मान लीजिए कान का पर्दा है ये किस कलर का होता है वाइट कलर का होता है वैसे बट व्हाइट कलर तो यहाँ पे दिखेगा नहीं तो हम इसको आपके येलो कलर का बना देते हैं ठीक है बच्चों यहाँ पर आपके कान का पर्दा है ठीक है कान का पर्दा है तो कैसे काम करता है हेडफोन ये ये बाहर से जो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 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 उसको उसको पहचान लेता है ये, और उसके अपोजिट फ्रीक्वेंसीज आपके कान में जनरेट करता है तो सही में ऐसा जादू सा लगता है जैसी जिंदगी में मैंने आपने शायद यूज किया होगा मैंने भी पहली बार जब लगाया था मैंने ऑन किया तो ऐसा जादू सा लगता है एकदम सुन सन्नाटा हो गया चारों तरफ क्योंकि तो यही से बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है तो ये मिररिंग का यूज करता है कि जो साउंड वेव आ रही है उसके अपोजिट साउंड वेव मिरर कर देता है और आपके जो है ये बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा आप भरे फिश मार्केट में बैठे हो आप वहां पर भी बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो ठीक है अब शायद उन लोगों के ज्यादा काम आता होगा जो ऐसे बाहर ट्रेवल करते हैं पब्लिक स्पेसेस में अब बच्चों ये टेक्नोलॉजी लग्जरी कार्स में भी आ रही है तो यूपीएससी ये भी सवाल पूछ सकती है कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एक बहुत ही बढ़ती हुई अच्छी टेक्नोलॉजी है इसका रोल रोल कहां कहाँ पे है म्यूजिक इंडस्ट्री में है ओके का ऑटोमोबाइल्स में है तो बच्चों ऑटोमोबाइल्स में भी मैं पढ़ रहा मैं खुद देख रहा था एक बार कौन सी गाड़ी वो पता नहीं भूल गया मैं उसका नाम वो मर्सिडीज की वाली है या पता नहीं कौन सी तो बच्चों उसमें नॉइस कैंसलेशन है तो ये हेडफोन जो काम आपके कान में कर रहे हैं उस गाड़ी के जो स्पीकर्स हैं चारों पांचों आठ आठ दस दस बीस बीस स्पीकर होते हैं वो सारे काम करते हैं जो नॉइस बाहर से आ रही है उसकी एंटी नॉइज वो क्रिएट करते हैं गाड़ी में और गाड़ी में एकदम साइलेंस हो जाता है मतलब इतना साइलेंस हो जाएगा कि पीछे कोई हॉर्न भी बजाएगा तो वो भी आपको सुनाई नहीं देगा ठीक है तो दैट इज द थिंग ओके सो दिस इज द एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन पढ़ लेना आप थोड़ा ही अच्छा है मैं आई विल सेंड द पीडीएफ ओके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेरी गुड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्लीज आंसर दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन का क्या आंसर है प्रधान वेरी गुड प्रधान अंश वेरी गुड प्रतीक्षा वेरी गुड ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो बच्चों ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिन्होंने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है किताबों से चाहे कहीं से भी वो आराम से बता देगा तो बच्चों आपको पता है भारत का जो ये वाला पार्ट है ठीक है ये वाला पार्ट है बेसिकली यहां पे गई विंटर्स में इसी समय अभी जनवरी में जो ठंड एकदम से बढ़ जाती है बारिश होती है आपको पता है हल्की सी बारिश होती है और इसी की वजह से पहाड़ी इलाके में बर्फबारी भी हो जाती है हिमाचल जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में ठीक है और यहां पर बारिश होती है इसे मावट कहते हैं इससे सर्दी जो है बहुत बढ़ जाती है वह जो देस आर बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन्स दीज साइक्लोन्स मूव फ्रॉम द मेडिटेरियन सी फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड दे पिकअप सम मॉइस्चर फ्रॉम देयर एंड देन देश द वॉटर ऑन इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान तो ये विंटर्स में बारिश होती है ओके okay. और नॉर्दर्न इंडिया में होती है ये सदर्न पार्ट में नहीं होती है ये ठीक है इट अकर्स मेनली इन द विंटर मंथ करेक्ट कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन से कोई लेना देना ही नहीं है इसका तो ए इज द करेक्ट आंसर दीज आर बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन विच आर क्रिएटेड एट द मेडिटेरियन सी वहाँ पर बनते हैं ये और वेस्टर्नली हवाएं इनको जो है यहाँ पर ले आती है उससे जो है थोड़ी बहुत सर्दी में बारिश होती है और इट इज़ वेरी गुड फॉर योर राबी क्रॉपिंग जो राबी की क्रॉप होती है विंटर क्रॉपिंग होती है जो मैंने आपको बताई थी जो फसलें में गेहूँ सरसों ओके लिंसीड उन सब के लिए अच्छा माना जाता है ऐसे किसान को फायदा होता है इससे ठीक है डिस्ट्रक्टिव नहीं है ये और हल्की बारिश होती है बहुत ठीक है और सर्दी होती है तो इवेपोरेशन नहीं होता तो थोड़ी भी बारिश होती है तो अच्छा सॉइल में मॉइस्चर हो जाता है काफ़ी समय तक के लिए इनको हम कहते हैं वेस्टर्न

उसकी भी थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का क्या आंसर है ऑल राइट सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो फोर्टीन का जो आंसर है दैट इज योर वेरी गुड तने सॉरी तने सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है बच्चों सिर्फ एक ही ओके फेरस मिनरल्स बच्चों वो होते हैं जो बेसिकली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं ठीक है उनको हम कहते हैं फेरस मिनरल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन फेरस तो आपको पता है कि माइका फाइका ये जो है जिप्सम लेड ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं सो दे आर नॉन फेरस, सो ओनली वन फेरस मिनरल इज कोटेड एयर दैट इज द क्रोमाइट ठीक है सो दैट सी इज द करेक्ट आंसर ओके क्रोमाइट जो है आपका सही जवाब है समझ गए कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे बढ़ते हैं ठीक है ओके okay? कानी ट्राइज बच्चों बेसिकली भी न्यूज में भी था फिफ्टीन अभी नहीं पिछले साल ठीक है सो कहाँ पे कानी ट्राई मिलती है थोड़ा करंट अफेयर्स और थोड़ा वैसा क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आज बच्चों शाम को भी क्लास है अपनी साढ़े आठ बजे है वैसे मैं स्पेशल पे कमी क्लास ले रहा हूं आजकल ठीक है एट पे है पीएम On the special I will send the notification on the said UPSC telegram channel. So there you can find it. Okay. So that's it. Question number 15 ka kya answer. Hai. ओके शो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का क्या आंसर है दैट इज द सर प्लीज़ एट पी कर दीजिए अरे यार ऐसा नहीं होता तो हो गई अब पेनल्टी लग जाती है ऐप पे यार अगर ऐप पे बच्चों ऐसा नहीं होता ठीक है अगर आप अगर आप प्लस क्लास प्लस की क्लास ले रहे हो स्पेशल क्लास ले रहे हो तो वहाँ पे हम क्लास से हटा नहीं सकते हैं यूट्यूब पर तो जो करना है करो बट वहाँ नहीं हटा सकते हैं बिकॉज तो वहाँ पे जो है पेनल्टी लग जाती है टाइम अगर लेट हो जाओ आप या क्लास नहीं लो पोस्टपोन कर दो क्लास को ठीक है ये प्लस वालों के लिए फीचर है वैसे बट स्पेशल जो क्लासेस होती हैं जो अन अकेडमी की ऐप पे होती है उनमें भी ये रूल लागू होता है तो वी के नॉट डू एनी थिंग वंस वी हैव पब्लिश द क्लास इट इज पब्लिक इट इज लाइव देन इट इज लाइफ इफ यू डोंट टेक इट और इफ़ वी गेट लेट मोर देन सेवन मिनट्स तो आपने कभी भी नोटिस कर लेना कभी भी कोई एजुकेटर जो है यहाँ पे आपको यूट्यूब पे हो सकता है काफ़ी समय इंतजार करना पड़े पर ऐप पे कोई क्लास होती है तो उस तो सात मिनट से ज़्यादा कभी भी आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता क्योंकि उसके बाद जो है दिक्कत हो जाती है तो ये सब बच्चों प्लस में पढ़ने के फायदे हैं ठीक है सो दैट इज कानी आर बेसिकली किसने दिया है सही जवाब क्वेश्चन नंबर डी वेरी गुड अनमोल ने भी सही दिया है तेजस ने भी सही दिया वेरी गुड डी ओके सो बिल्कुल सही बात है वेस्टर्न घाट से मिलती केरला की ट्राइब है केरला से है तो केरला में वैसे कमी ट्राइब्स है तो आईज ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि बच्चों ये ये ट्राइब है इनके पास एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान है ऐसा पेड़ के बारे में इनको एक नॉलेज है जीवनी पेड़ कहते हैं इसको इस पेड़ में बच्चों बहुत ही अलौकिक ताकतें हैं मेडिसिनल प्लांट है किसी भी तरह के फटीक को ये पेड़ की जो है उसकी जड़ी बूटी बनाकर जो भी वैसे आप यूज कर लो तो ये जितनी भी सारी नीचे बीमारियां लिखी है सारी सबका इलाज है इस पेड़ के अंदर और इस ट्राइब के पास इस नॉलेज है अब गई ये बाहर की कंपनियां करती हैं एमएनसीज़ जो हैं ये हमारे देश में आती है यहां पे अपने साइंटिस्टों को पैसे देती है लाखों करोड़ों रुपए और वो फिर गांव गांव जाके इन ट्राइब्स में जाकर जो है मिलते हैं उनके सारे सीक्रेट्स जो है चुरा लेते हैं दवाई ववाई वो देख लेते हैं कि अच्छा ये एक बहुत बड़ा है इसलिए जो है और उसको पेटेंट करा लेते मतलब हमारे लोग उनका ट्रेडिशन हमारी ट्राइब हमारे देश की ट्राइब हमारे ट्राइबल पीपल जिन पे हमें नाज है ठीक है और उनकी नॉलेज हजारों साल पुराने उनके जो इन थे वो नॉलेज उनको देखे गए ट्रांसमिट करते गए कुछ फिरंगी लोग आए बड़ी एमएनसी कंपनी है उन्होंने पता लगाया अच्छा ये है उसको उठाकर वो टे वो फॉर्मूला बना लिया देख लिया उन्होंने अच्छा इसमें इस पेड़ में ये ये वाले केमिकल्स हैं तो इससे सही हो जाता है चलेगा यूरोप लेकर ये अमेरिका लेकर वहाँ पर दवाई बना दी यहाँ पे उसकी वो फ्री में मिल रही थी चीज़ उसको वो है जब लाखों में दवाई बेचते हैं तो बहुत बड़ा इसे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है इसको जो है आपके एक तो हमारा ट्रेडिशनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी भी बनाई है इसलिए हमने पेटेंट्स की भी जानकारी हम फैला रहे हैं जो ट्रिप्स रजीम होता है आपका ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो क्या करते हैं वो हमारा खोजी हुई चीज है उसको जान लेते हैं पहले आप हमारे ट्राइबल्स तो बेचारे पता नहीं है उनको अवेयर नहीं है वो ठीक है तो वो पेटेंट करा लेते हैं नॉलेज किसकी ट्राइबल्स की फायदा कौन उठा रहा है ये जो है फॉरेनर्स और बड़ी जो एम एनसी कंपनी है फार्मास्यूटिकल फार्मास है, है। बहुत बड़ा एक वो इशू है ये इसमें आप एक तैयार रहिए इस क्वेश्चन के लिए ठीक है सो दिस इज द द थिंग नेक्स्ट इज प्लेट टेक्टोनिक्स अगर बच्चों प्लेट टेक्टोनिक्स आपको समझ में नहीं आया है या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या आपके कन्वेक्शनल करंट्स या आपके सी फ्लोर स्प्रेडिंग या प्लेट टेक्टोनिक्स इन चारों ही कंसेप्ट को मैंने प्री क्लास है एक अनकेडमी का स्पेशल प्लेटफॉर्म है अभी मैंने ली थी वो क्लास छः सात दिन पहले आप एक क्लास में डेढ़ घंटे की क्लास है और ये सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं पूरी ज्योग्राफी के अंदर आप आराम से वहां जाकर समझ सकते हो डेढ़ घंटे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात करी है और सारे टॉपिक्स आपको जीएस लेवल के हिसाब से और वहीं पर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो वही वाली आप तुरंत जो है ना अकेडमी के ऐप पर जाइए उस पर कोड मांगेगा तो सी डी यू पी सी कोड आप डाल दीजिएगा फ्री क्लास है वो प्लेट टेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। और वे सारी चीजें पढ़ सकते हो अगर आपने ये पढ़ी नहीं है तो ओके okay. और मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी उसमें जो है समस्या नहीं होगी कारी हुआ कारी कारी दे आर ट्राइबल दे आर देर, देर, देर ट्राइब ओके दैट इज सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन यस अतिक्षा ने सही आंसर बता दिया है ठीक है

होते हैं जो बेसिकली प्लेट को मूव करते हैं द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द द प्लेट कन्वेक्शन इन मेंटल सही बात है एट ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जहां पर दो प्लेट्स एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है ना ही टकरा रही है ना ही दूर जा रही है रगड़ा खा रही है आपस में वहां पर बच्चों क्रस्ट जो है क्रिएट भी नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा ये भी सही बात है मिड ऑट अटलांटिक रिजेज मॉर्स की बात हो गई मिड ओशनिक रिजेज में गुड एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री नहीं डाइवर्जेंट जहां पर बच्चों मिड ओशन होगी वहां पर हमेशा दो प्लेट जो है दूर जाएगी और बीच में जो है नया ओशन फ्लोर क्रिएट होगा जिसे हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये बच्चों सारे ही कंसेप्ट आपको मात्र डेढ़ घंटे में समझ में अगर नहीं आए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आप अन अकेडमी की एप पर जाइए आप मेरी प्रोफाइल सर्च करिए वहां पे सिद्धार्थ सिंह के नाम से कोई कोड वोड मांगे तो डाल देना सेड यूपीएससी और आप वो क्लास को आराम से देखिए प्लेट टेक्ट्रॉनिक्स में सारा मैंने विद प्रॉपर डायग्राम्स पिक्चर्स सब कुछ समझा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से स्टार्ट किया है कन्वेक्शनल करंट के बारे में बताया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताया है इसपे सवाल आ चुका है मेन्स में इसपे सवाल आ चुका है मेन्स में इसपे इनडायरेक्टली सवाल मेन्स पे आ चुके हैं हाई वैल्यू टॉपिक है देख लीजिएगा ठीक है दैट्स इट ऑल राइट ओके व्हाट इज स्टेट प्लेट टेक्टोनिक्स प्लीज गो एंड सी दैट क्लास ओके नेक्स्ट इज द खत्म हो गई ये क्लास आज की अच्छा है, ये कहां से आ गया भाई लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन चलो भाई ये भी देख ही लेते हैं ठीक है तो बच्चों लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ब्लैक सी भी बहुत न्यूज में भी है रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तो बहुत न्यूज में ब्लैक सी तो बोल रहा है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस देश की है इनमें से पता होना चाहिए आपको ये देश भी अभी कभी ये न्यूज में भी रहा है कौन सा है ये थर्टी थ्री का आंसर क्या है गलती से आ गया वैसे कहीं से क्वेश्चन उड़ता हुआ ले लेते हैं पर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर थैंक यू रैप्टर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आई वाज एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ योर अतिक्षा रैप्टर ओके टेक्नो को बच्चों बता दो जरा यूपीएससी क्या है मुझे तो पता है नहीं आपको बाकी लोग बता देंगे आपको यूपीएससी क्या है ठीक है सो so, टर्की जो है गाई सबसे बड़ी कोस्ट है ऑब्वियसली छोटे छोटे देश है मैप भी होगा हाँ तो ये ब्लैक सी है ये थोड़ा दिख नहीं रहा आपको तो टर्की की आप देख लीजिए यहाँ से पूरा जो है पूरा ये टर्की का इलाका है तो सबसे बड़ी जो है कोस्ट लाइन जो है टर्की की है इन देशों में से तो ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है आज की क्लास खत्म करते हैं गाइज यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सी डी एंड यू आर ऑलवेज वेलकम to join us on the subscription model and it is a one stop solution of all your upsc requirements theek hai koi bhi samasya aapko kabhi nahi aane wali hai iconic plus subscriptions aap leke padhiye sir upsc code use kariyega abhi new year pe मैं guarantee तो नहीं दे सकता but New Year के आसपास एक दो तारीख को न्यू ईयर धमाका ऐसे ऑफर कुछ आने आएगा तो यू कैन गेयर अप योर सेल्फ फेब्रवरी में form आने वाला है मई कब है prelims पांच महीने में ही है ठीक है एंड दिस इज द प्लेस वेर यू हैव टू स्टडी ओके ऑफर आएगा फायदा उठा लेना तुरंत ठीक है अभी तो कोई ऑफर नहीं चल रहा है बट मेरे हिसाब से कोई अच्छा ऑफर आएगा धमाकेदार में गारंटी तो नहीं दे सकता कि आप बैठे रहो उसके भरोसे बट तीन साल दो साल से तो आ रहा है अब तीसरा साल मुझे इस बार हो जाएगा तीसरा न्यू ईयर बनेगा मेरा में ठीक है तो इस बार भी आएगा तो आप तब तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यू विल गेट अ डिसेंट डिस्काउंट एंड यू कैन यूज द कोड से फॉर दैट ऑफर विच कैन बी अलाइड ऑन योर सब्सक्रिप्शन कोड के साथ बचो अच्छा, आपको अशोर्ड टेलीफोनिकाइडेंस एक्स्ट्रा मेरी तरफ से है, लाइफ टाइम हवाई बात नहीं लाइफ टाइम अशोर्ड सिर्फ बोलने की बात नहीं है डायरेक्टली मैं आपको मैंटोर गाइड करूंगा और आपको वैल्यूडिशन मटीरियल मिलेगा मेरी तरफ से, का से तो आपको पचास चीजें मिलेंगी ही मेरी तरफ से भी आपको यू विल बी गेटिंग ऑल दीज थिंग्स ऑल दीज थिंग विच आर रिटर्न येयर ठीक है तो सही कोड यूज कीजिएगा जब भी सब्सक्रिप्शन है लोन पर भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गई आई रिकमेंड डेढ़ साल या दो साल का ठीक है दैट इज इट थैंक यू एवरीबडी थैंक यू ट्वेल्थ की एन टी करा दीजिए अभी आपके लिए कुछ चल रही है प्रोग्रामिंग कराते हैं कुछ ठीक है आई थिंक अबाउट इट ओके ऑलराइट सी यू अभी शाम को मिलेंगे साढ़े आठ बजे तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए